गाइस, तो अभी मैं हूँ शिवनाथ नदी पे और शिवनाथ नदी काफ़ी उफान पर है, वही दिखलाने के लिए मैं आया हूँ। तो चलिए आप अब लोग स्टार्ट करते हैं। गाइस, तो ये मंदिर है, मंदिर के आसपास में ही पूरा पानी आ चुका है, आप देख सकते हैं पानी ही पानी, चारों तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहे हैं। इस साइड पिछले दफ़ा जब दिखा रहा था तो यहाँ खड़े होकर भी दिखला रहा था, मंदिर परिसर के अंदर पानी भरा हुआ है, ये देख सकते हो आप लोग। अरे भाई साहब, बड़ा ख़तरनाक है, इतना पानी गिरा है अपने दुर्ग भिलाई में, इतना पानी दुर्ग भिलाई में गिरा ही नहीं है। लेकिन ये जो पानी है अधिकतर बस्तर से आ रहा है, क्योंकि मैं बस्तर गया हुआ था और वहाँ का मैं कुछ वीडियो बनाकर डाल चुका हूँ, कुछ वीडियो बची हुई है वो बाद में डालूँगा। और ये माहौल देखे यहाँ का, यहाँ पर एक पान ठेला भी है, यहाँ पर मंदिर भी है वो भी डूब चुका है, आगे से दिखलाता हूँ। और पानी का लेवल देखिए आप लोग, भाई पानी ही पानी हो गई है। और ये देखो इतने सारे लोग हैं जो यहाँ पर आए हैं देखने के लिए, काफ़ी सारे लोग हैं। तो ये देख सकते हो यहाँ पर बजरंगबली जी शिव जी का मंदिर है जो पूरी तरह से डूब चुका है मंदिर। ये सड़ देखिए गुड़िया लोग मस्ती करते हुए, और पानी का लेवल दिखलाता हूँ आप लोगों को मैं, इतना तेज़ रफ्तार से पानी बह रहा है, बहुत तेज़ रफ्तार से पानी बह रहा है, ये देख सकते हैं। ओ भाई साहब, पानी का जो बहाव है बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ पानी का बहाव है। ये देखिए गाइस, पूरा लबालब पानी भरा हुआ है, और साल में ऐसा एक बार ही देखने को मिलता है शिवनाथ नदी का नज़ारा इस तरह से। पिछले व्लॉग में बताया था शिवनाथ नदी में ऐसे कार को रेस्क्यू किया गया था, तो वहाँ भी अपन चलेंगे, वहाँ का भी नज़ारा दिखेंगे। और गाइस, वहाँ सामने से मैं आ रहा था, यहाँ से इस साइड से आ रहा था, लेकिन इस साइड से पूरा गिरडल मार के रखे हुए हैं, पुलिस प्रशासन आने नहीं दे रही है, तो मैं इस साइड से पीछे तरफ से आया। मैं और भी इसको क्रॉस करके अपन ये वाले एरिया पे आए हैं जहाँ से मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, उस साइड से तो पुलिस प्रशासन बंद करके रखी हुई है। और जो सामने आपको नज़र आ रहा होगा शिव मंदिर, वो पूरी तरीके से डूब चुका है, और पानी का बहाव देखिए आप, ज़बरदस्त नज़ारा है, ज़बरदस्त नज़ारा, गजब का नज़ारा है। देखो यहीं से पता चल जा रहा है कितना बहाव है, मैं खड़ा हूँ तो पूरा हिल जा रहा हूँ, इतना बहाव है। तो ठीक है, अपन थोड़ा आगे चलते हैं, आगे से पूरा नज़ारा दिखलाते हैं। और लोगों का भीड़ देखिए आप लोग, काफ़ी भीड़ है। ये शिव मंदिर भी बचा हुआ है, और ज़्यादा बारिश हो गया तो शिव मंदिर भी डूब जाएगा, कि जहाँ अपन खड़े हैं यहाँ खड़े होने लायक जगह नहीं रहेगा। और यहाँ पे एक भैया है जो मछली पकड़ रहे हैं, ये देखो जाल बिछा रहे हैं। ठीक है, और आगे से आप लोगों को दिखलाते हैं, और काफ़ी लोग हैं देखने आए हैं, अपन और भी इस तरफ भी चलेंगे, वहाँ से भी नज़ारा दिखलाएंगे आप लोगों को। ये देखो कैसा लग रहा है ये नज़ारा, मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। वाओ, एक नंबर भाई, एक नंबर नज़ारा है, जबरदस्त। तो यहाँ का पूरा नज़ारा तो मैंने आप लोगों को दिखला दिया है, अब ओवर ब्रिज के पास चलते हैं और वहाँ का पूरा नज़ारा आप लोगों को दिखलाएंगे। गाइस, तो हमारे सब्सक्राइबर अंकल जी, अंकल जी आपका नाम क्या है? देवेंद्र कुमार पनिका। देवेंद्र कुमार पनिका, और आपके रहन कौन डान होते हैं? नगर दुर्ग। अच्छा, ठीक है, आपसे मिल के बहुत अच्छा लगी से, और असले पूरा चैनल आशीर्वाद हो भाई, आशीर्वाद दो। देखता हूँ मैं आपका जब चैनल रहता है ना, पूरा देखता हूँ। और देख सकते हैं जगह जगह पे पानी भरा हुआ है, यहाँ देख रहा हूँ तो यहाँ पानी भरा हुआ है, यहाँ देख रहा हूँ तो यहाँ पानी भरा हुआ है, मतलब कि दो दिन तीन दिन और अच्छे से बारिश हो गया दुर्ग भिलाई में, तो समझ लो शिवनाथ नदी के आसपास में जो भी गांव बसे हुए हैं तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है। और इस रोड में बहुत कम लोग आना जाना करते हैं, लेकिन अभी के समय में काफ़ी टूरिस्ट आ रहे हैं देखने के लिए, अभी शाम के 4:30 हो रखे हैं, फिर भी लोग अभी आना जाना जारी है लोगों का। तो हम चलते हैं और आप लोगों को वहाँ का नज़ारा दिखलाते हैं। ये देखो गाइस, यहाँ तो पूरा तालाब बन गया है, खेत खलिहान। अरे भाई साहब,
क्या जबरदस्त बारिश हुआ है यार, यहाँ भी पूरा पानी ही पानी है। मतलब कि एक दिन के पानी में इतना हाल खराब है भाई। बस्तर में तो कंटिन्यू 4 दिनों से बारिश हो रखी है, 4 दिनों से। वहाँ का कैसा स्थिति होगा आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। राइट जाते हैं तो नकपुरा और लेफ्ट जाते हैं तो ओवर ब्रिज, जहाँ से दुर्ग सिटी कनेक्ट होती है, और अभी भी लोगों का आना जाना चालू है, आप देख सकते हैं। गए तो हम धीरे धीरे ओवर ब्रिज चढ़ना चालू कर दिए हैं। हम इसके नीचे से जाएंगे सोचे थे, लेकिन नीचे में पूरा पानी भरा हुआ है और पूरा गेड़ियल मार के रखे हुए हैं, इस वजह से हम नीचे भी नहीं जा पाएंगे। तो एक झलक आप लोगों को हम ऊपर से नज़ारा दिखलाएंगे कि नज़ारा कैसा दिखता है ऊपर से। उसके बाद हम दूसरे छोर पर चलेंगे जहाँ पर ठाकुर टोला होटल है, वहाँ पर चलेंगे। गाइस तो देख सकते हैं आप लोग, ये पूरा नज़ारा है शिवनाथ नदी का। वहाँ गेट बना हुआ है जहाँ पे रेस्क्यू हुआ था, कार को निकाला गया था, और पूरा एरिया ब्लॉक है। आप देख सकते हैं पूरा एरिया में पानी भरा हुआ है। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इसी को देखने के लिए काफ़ी लोग आ रहे हैं। ओवर ब्रिज में जाम लग चुका है भाई, ये देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे काफ़ी जाम लगा हुआ है क्योंकि बस आ रही है, कार आ रही है, और लोग खड़े होके रोड किनारे में देख रहे हैं शिवनाथ नदी का नज़ारा। तो चलो मैं भी आप लोगों को थोड़ा सा दिखलाता हूँ। तो ये देख सकते हो गाइस, यहाँ पे पूरा गेड़ियल मार के रखे हुए हैं और वहाँ से पूरा रोड ब्लॉक है, चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है। रिसोर्ट बना हुआ है, इसके अंदर भी पानी भरा हुआ है। रिसोर्ट है कि रेस्टोरेंट है, पता नहीं क्या है। और ये देखो, ये रोड है आने जाने का इस छोर से उस छोर, और इस रोड में पूरा पानी भरा हुआ है। और यहीं पे कार रेस्क्यू किया गया था पिछले 2 वीक पहले, 2 या 3 वीक हो चुके हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी लोग आए हैं उस साइड से नज़ारा देखने के लिए। ये देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी लोग खड़े हैं, तो अपन उधर भी चलेंगे, वहाँ से पूरा नज़ारा देखेंगे। और भाई फुल माहौल है और ट्रैफिक पूरा जाम हो रखा है यहाँ पे। तो ठीक है, अपन नीचे चलते हैं और नीचे से पूरा नज़ारा आप लोगों को दिखलाएंगे। ऊपर से तो पूरा नज़ारा मैंने दिखला दिया है आपको कि कैसा दिख रहा है ऊपर से। ओ भाई साहब, क्या खूबसूरत सा नज़ारा दिख रहा है। और इस साइड भी नज़ारा देख लो आप लोग। और भाई कार वाले लोग सब परेशान कर दे रहे हैं क्योंकि ये बिजी रूट है, बिजी रूट। गाइस आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर लोगों का, लोग निहारने के लिए आए हुए हैं इस जगह को। आप लोगों को चारों तरफ से मैं घूम घूम कर दिखला रहा हूँ शिवनाथ नदी। ओवर ब्रिज के ऊपर में था, अब हम नीचे जा रहे हैं, नीचे से भी पूरा नज़ारा दिखलाएंगे। और शाम का वक्त है, 5 बजने वाले हैं, और लोगों का भीड़ तो भाई क्या ही कहने, आज जबरदस्त भीड़ है लोगों का, जबरदस्त। ये है ठाकुर टोला जहाँ पे अधिकतर हम लोग नाश्ता वगैरह करते हैं, और जैसे कि आप देख ही रहे हैं लोगों का आना जाना चालू है। लोग इस आगे बढ़ा जाए, और भाई काफ़ी पब्लिक है भाई, और पानी यहाँ भी जबरदस्त नज़ारा देखने को मिल रहा है पानी का। ये मंदिर है इस साइड में, इस साइड में है गुरुद्वारा। वो भाई साहब यहाँ से भी काफ़ी लोग निहार रहे हैं शिवनाथ नदी को। एक बार मैं यहाँ से पूरा नज़ारा दिखलाता हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। देख रहे हो कितने सारे लोग हैं जो यहाँ पे नज़ारे देखने के लिए आए हुए हैं शिवनाथ नदी का। तो अपन इधर से चलते हैं और दिखलाते हैं आप लोगों को फुल नज़ारे कि पानी की रफ्तार कैसी है। ये देखो भाई साहब, वो तेरी की क्या जबरदस्त नज़ारे देखने को मिल रहे हैं यहाँ से। पानी तो एकदम लबालब भरी हुई है, क्या जबरदस्त नज़ारे हैं। देख रहे हो लोग पहले यहाँ से आना जाना करते थे, इसके ऊपर से पानी जा रही है। बेहतरीन नज़ारे हैं, बेहतरीन। और पानी पूरा यहाँ तक भरा हुआ है, और इतने सारे लोग हैं जो देखने के लिए आए हुए हैं, और ऊपर से भी लोग निहार रहे हैं। ठीक है, अपन इधर से चलते हैं। काफ़ी लोग सेल्फी वगैरह सब चालू है भाई साहब, कई लोग तो वीडियो बनाने के लिए ही आए हुए हैं। अपन यहाँ से भी नज़ारा देखते हैं कैसा दिख रहा है यहाँ से नज़ारा। ये देखो गाइस, बहुत नज़दीक में हुआ है पानी, यहाँ यहाँ से पूरा तेज़ रफ्तार से बहते हुए जा रही है, और इतने सारे लोग हैं जो वहाँ से खड़े होकर देख रहे हैं ये नज़ारे।
गाइस तो आंखों को यकीन नहीं हो रहा है, मतलब कि 2-3 वीक पहले यहाँ पे कार गिरा हुआ था, रेस्क्यू किया गया था, उस समय पूरा नीचे था पानी, और अभी के समय में देख सकते हैं आप लोग पानी काफ़ी ऊपर में है और देखने में काफ़ी सुंदर दिख रहा है भाई। जबकि हमारे दुर्ग जिले में उतना बारिश हुआ नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये अपने बस्तर साइड से ही पानी आ रही है, क्योंकि इधर तो उतना बारिश हुआ नहीं है, तो उतना पानी तो भर ही नहीं सकता जितना यहाँ पर दिख रहा है। और गाइस यहाँ पे हमारे इतने भाई बहन सब्सक्राइबर मिल रहे हैं कि कहीं बताऊँ मैं, एक झलक यहाँ से भी आप लोगों को मैं दिखला देता हूँ। अब दिखला रहा हूँ तो पूरा आप लोगों को नज़ारा दिखला देता हूँ। देखो यहाँ भी पूरा पानी भरा हुआ है, कुछ लोग तो यहाँ भी इंजॉय कर रहे हैं, ये देख सकते हो। मतलब कि एक दो बार और बारिश हुआ तगड़ा तो समझ लो यहाँ पे पूरा पानी भर जाएगा, ये जो आपको मंदिर दिख रहे ना इसके ऊपर तक पानी चला जाएगा। ऑलमोस्ट वहाँ पे जितने भी मंदिर हैं वो पूरे डूब चुके हैं, कुछ जो हाइट में है मंदिर वो उसको छोड़ के। देखो लोग कहाँ कहाँ जाकर वीडियो शूट कर रहे हैं, ब्लॉग बना रहे हैं, अपन भी इधर थोड़ा और दिखा देता हूँ मैं, आने जाने का रास्ता ब्लॉग है पूरा। गाइस तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप भी आ सकते हैं देखने के लिए, लेकिन दूर से देखिएगा, ज़्यादा पास मत जाइएगा, बहुत ज़्यादा रिक्सी ये पॉइंट बन चुका है अभी। अगर 2 दिन अच्छा बारिश हो गया तो भाई आप सोच सकते हैं यहाँ पे लोग नज़र नहीं आएंगे।